देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दिन ब दिन बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या तो है ही, साथ ही में अब मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है। खासकर बांद्रा से लेकर दहिसर तक तो ट्रैफिक की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि इतनी सी दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होना और सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस और RTO की गैर मौजूदगी, जिसके चलते लोगों को और खासकर सीनियर सिटीजन्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुंबई कांग्रेस सीनियर सिटीजन सेल के अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता ने कई बार इस समस्या को जोर शोर से उठाया है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते अब ये समस्या गंभीर होती जा रही है। आफ्टर बांद्रा टू दहिसर देयर नो ट्रैफिक कंट्रोल, देयर नो लाइन ड्राइविंग, देयर नो सिस्टमैटिक प्लानिंग। द हैवी व्हीकल्स आर वर्किंग इन फर्स्ट रो, सेकेंड रो, दे वांट टू डू दैट, जैसा वो चाहते हैं ऐसे कर रहे हैं, पर कोई RTO निर्देश नहीं है। अगर लाइन ड्राइव होगा, सिस्टमेटिक ड्राइव होगा, देन नो प्रॉब्लम। आज एक छोटा टमटम जैसा, अगर जैसा सिंगापुर में ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन सिस्टम है, वो डाल दें तो मुंबई का कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से खेल रही है। हमें सीनियर सिटीजन, मुंबई से आता हूँ बुरेली, तो मुझे मालूम है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। 4 घंटे बैठे रहना, हाथ पैर न हिलना, एक नर्क जैसा लगता है कि बॉम्बे की धुआं खाना, पर RTO का ध्यान उससे जाता नहीं है। समाज सेवी मनमोहन गुप्ता का मानना है कि समस्या को हल करने के लिए लोगों में जागरूकता लाना तो जरूरी है ही, साथ ही ट्रैफिक पुलिस और RTO को भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी चाहिए। स्कूलों में ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देनी और प्रसार माध्यमों के जरिए भी इसका प्रचार प्रसार करना जरूरी है, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है। अगर जब RTO की जिम्मेदारी है, चौराहे पे खड़े रहना, खड़े रहकर सिग्नल देना, मार्गदर्शन करना, और वो साइड में खड़ा रहकर चोरों की तरह बाद में लाइसेंस पकड़ता है, चोरी करना सिखाता है, क्यों ऐसा? हमें उल्टा सब जगह बोर्ड लगाने चाहिए, TV पे ऐड करना चाहिए, पत्रकारों में लिखना चाहिए, स्कूल में सिखाना चाहिए, व्हाट इज द RTO नेम, व्हाट इज द रोड लाइनिंग, TV चैनल्स को, और इनके ऊपर कानून बनाना चाहिए कि आपके चैनल पे ये चीज़ें फ्री दिखाना चाहिए, नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जिस तरह से वंदे मातरम का झंडा जनगणमन दिखाया जाता है, उसी तरह से ये जितने भी चैनल्स हैं उनके जो सारी सूचनाएँ दिखाना अनिवार्य करना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर समाजसेवी मनमोहन गुप्ता गांधी विचार मंच के जरिए 16 जून से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत सीनियर सिटीजन सेल के बैनर तले बुजुर्ग नागरिक ट्रैफिक समस्या के खिलाफ अनशन करेंगे, ताकि सरकार और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की तरफ दिलाया जा सके। हमें गांधी विचार मंच और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आने वाले 16 जून को अनशन करने जा रहा हूँ। हम सभी बॉम्बे के बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स से निवेदन है कि समस्या के हल के लिए आप जगिए और आगे काम बढ़िए, और लैंड ड्राइव के ऊपर जोर दीजिए। आज रोड के ऊपर पेंटिंग नहीं होता है, जिग-जैग क्रॉसिंग पे वाइट पट्टा नहीं लगता है, स्पीड ब्रेकिंग पे वाइट पट्टा लगता है, टैक्स तो लेती है ना गवर्नमेंट। आज छोड़ा वाला लेन में दो दो तीन तीन पार्किंग चल रही है, पार्किंग के लिए पैसा दिया जा रहा है, रोड पे कोई पार्किंग नहीं होना चाहिए, उसका कोई टैक्स लेना नहीं चाहिए पब्लिक से। अब देखना होगा कि इस आंदोलन का सरकार पर कितना असर पड़ता है, लेकिन माया नगरी मुंबई में ट्रैफिक जाम की इस बड़ी समस्या की तरफ सही समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो सड़कों पर चल पाना भी दूभर हो जाएगा। न्यूज़ स्टॉक लाइव के लिए परेश मिश्रा की रिपोर्ट।